हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है सैटरडे की सुबह एंड आज का मेरा प्लान था लोनावला जाने का। हमें एक्चुअली 5 बजे उठना था क्योंकि जो मेरे ड्राइवर भैया थे वो एग्जैक्ट 7 बजे आ रहे थे, बट अभी हमने टाइम देखे तो 6:30 हो गया है। तो हाय रेणुका, व्हाट्स द स्टेटस? रेड। व्हाट्स द स्टेटस, रेड और ग्रीन? क्या सीन है, लेट हो गए यार? रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ऑलवेज ग्रीन फ्लैग। और अकार भाई तो अभी सो रहे हैं। वन इटर्निटी लेटर। हाय, हेलो। सो रेणुका अभी हमें डिटेल्स बताएंगे, हमने एक्चुअली कैब बुक किया है ना? हाँ, हमने कैब बुक की है, एक अर्टिगा, उसमें 6-7 लोग आने वाले हैं और हम बाकी लोगों को पिक करने जा रहे हैं और आज हम जा रहे हैं लोनावला कंडाला। वेरी एक्साइटेड, मौसम इतना ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा प्यारा है। हाँ, आज मौसम बहुत ही सुंदर है। वी आर होपिंग कि उधर भी अच्छा रहे मौसम। वैसे हमने बारिश ना हो। हाँ, सब लिया है सामान। अभी हम ट्रैफिक में फंसे हैं। और अभी हमारे साथ क्या हुआ वो अभी हमारे साथ अकार भाई शेयर करेंगे। हाँ, तो अभी हम आ रहे थे और थोड़ा सा लफड़ा हो गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने पकड़ा हमें। हाँ, बट कोई नहीं, ये तो होती रहेगा। अभी हम आज बहुत सारा घूमने वाले हैं और बुशी डैम, टाइगर पॉइंट, लायन पॉइंट कवर करने का सोचा है, रेड पॉइंट, डियर पॉइंट, डियर पॉइंट, और मैप्रो गार्डन देखना है। तो हाँ, बहुत एक्साइटेड है। और यहाँ से हम चिक्की लेके जाएंगे, काफी सारे मेमोरीज लेके जाएंगे, ये सोचा है हमने। हाँ, बस जल्द से जल्द ट्रैफिक खत्म हो जाए। आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो लोनावला 0 किलोमीटर है, तो इतना ज्यादा ट्रैवल करके फाइनली वी आर इनटू द क्लाउड्स। पीछे आप देख सकते हो इतना ज्यादा प्यारा मौसम है। तो लोनावला में बेसिकली यही है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। यू विल जस्ट गेट फ्यू पॉइंट्स जहाँ पे आप यू नो नज़ारा देख सकते हो एंड एवरीथिंग। एंड पीछे मेरे सारे कोलीग्स हैं, कुछ फोटो सेशंस भी उधर कर रहे हैं, बट राइट नाउ इट इज़ सो डैम ब्यूटीफुल, आई एम लविंग इट। सी गाइस, कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा डेंस है सब कुछ। और अभी हम बिल्कुल एकदम पहाड़ों पे और बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मेक श्योर कि अगर आप लोनावला इस साइड आओ ना तो प्लीज़ वेयर सम वार्म क्लोथ्स, बिकॉज सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड दिस इज आवर ब्यूटिफुल कपल। फोटो के बाद यहाँ पे हाय बोलो। हाय, तो यहाँ पे इमिडिएटली इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है। मुझे पता है आपको मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छे से नहीं आ रही होगी, दो आई एम यूजिंग अ माइक, बट यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी हमारे साथ एक और मिस हैपनिंग हो गई कि हमारी जो गाड़ी है उसको जैमर लग गया है। पता नहीं कितने पैसे लेंगे, क्या सीन है, पता नहीं आज हमारे साथ क्या ही हो रहा है। लेट्स सी, लेट्स होप कि जल्दी फ्री हो जाए इस चीज़ से। एक्चुअली वो जो आप सामने गाड़ी देख रहे हो उसको भी जैमर लग गया है, हमारी गाड़ी को भी लगा है। दो हमने ड्राइव को सिर्फ 5 मिनट बोला था वेट करने को। पता नहीं यार क्या हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। पैसे देखी थी किती? 200। कांदे भजे वगैरे खाऊन घेऊ, पण 200 रुपये आपल्याला लागेलच ना। पण ते फ्री देणार बोलले ना, 200 रुपये आम्हाला लागेलच ना। पण 200 मध्ये भजी बिजी सगळं 200 रुपये का भाजी। तो अभी बारिश नहीं हो रही और अभी मौसम काफी ज्यादा अच्छा भी है। एंड राइट नाउ वी आर एट द बुशी डैम। बट यार वो जो मिस हैपनिंग भी नहीं कह सकते, मतलब जो भी आज हमारे साथ हो रहा है उससे अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है। एंड यहाँ पे भी ये लोग 200 रुपीज मांग रहे थे, बट मेक श्योर कि अगर आप भी बुशी डैम आओ ना और आपको सिर्फ पार्किंग करनी है सो सिर्फ 100 रुपये वाला जो टोकन है वही वाला लेना, 200 रुपये वाला मत लेना।
बिकॉज जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो तो यहाँ पे लुटे गए, बट सिंस अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा व्हेन एवर यू विजिट हियर। यहाँ पे हर एक चीज़ का आप एक बार प्राइस पूछना, वरना अगर आप नहीं पूछोगे तो वो आपको ऐसे लुट लेंगे। सो दिस इज द मेन थिंग विच नीड्स टू बी फोकस्ड। एंड बस यहाँ पे बाकी तो अच्छा ही लग रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। अभी हम जा रहे हैं बूसी डैम और मेरे साथ ताने। ताने क्या कहना चाहोगे आप? हेलो, अबे करना सही से कुछ और बोल। तो अभी हम सारे बूसी डैम जा रहे हैं, वो है हमारे बाकी सारे के सारे। ये एक बेसिकली छोटा सा ट्रैक ही है, आप रास्ता देख सकते हो, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है तो इसलिए आपको अच्छे से चलना है। मेक श्योर कि आप कोई सैंडल या कुछ मत पहन के आना, शूज वगैरह पहनोगे तो वो ज्यादा यू नो कम्फर्टेबल रहेगा। तो यहाँ के जो रास्ते थे वो थोड़े उबड़ खाबड़ से थे, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से चलना है। एंड यही है पूरा बूसी डैम। हम एकदम टॉप पे नहीं गए क्योंकि वहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, तो हमें डर लग रहा था कि हम स्लिप ना हो जाए। तो यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वही मैंने आपको शो किया है। एंड बस यही सब खाना पीना है और व्यू है यहाँ पे बूसी डैम। आप क्या कहना चाहोगे भाई? आप आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अब तक भाई? थोड़ा बहुत मजा है मेरे को, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इसको बचाओ, आपका ओके। हाँ वहाँ पे एक फैमिली की डेथ डैम के बैक वाटर्स में एक पूरी फैमिली बह गई, तुम इसी जगह। हम लोग एक्चुअली एग्जिट कर ही रहे थे बट मैंने सोचा आपको रास्ते दिखा दूँ। सो हेयर क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे नो एंट्री है बिकॉज जो ये वाला रास्ता है बहुत टाइम पहले एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज एक फैमिली थी विच हैड फाइव पीपल, वो लोग एक्चुअली इसी रास्ते से गए थे एंड सारे के सारे एक साथ नदी में, पूरी इतनी बड़ी रिवर में जो कि बहुत फास्ट फ्लो कर रही है उसमें एकदम बह गए। तब से जो ये जो रास्ता है वो बिल्कुल ही इन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, आपकी एंट्री सिर्फ यहाँ से आप कर सकते हो बट ये वाला जो रास्ता है वो पूरा ही ब्लॉक्ड है। A few moments later. हालांकि ये बहुत ज्यादा डेंस है, कुछ समझ कुछ कुछ नहीं आ रहा है। इधर जो हवा है वो रिवर्स में चल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम टाइगर पॉइंट आए हैं और ये पीछे पूरा टाइगर पॉइंट है। ये फेमस बेसिकली इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना शाम में टाइगर्स वगैरह बहुत आते हैं और यहाँ पे ना जो आप देख सकते हो भाई साहब, और यहाँ पे जब भी आप कोई चीज फेंक करो तो उल्टी की तरफ जाती क्योंकि यहाँ पे रिवर्स विंड फ्लो कर रही है। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी तेज़ हवा है और ये छाता तो मुझे लग रहा था एक टाइम के बाद उड़ ही जाएगा। सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार। तो इनकेस अगर आप आओ तो प्लीज़ रेनकोट लेके आना और शूज़ बिल्कुल मत पहन के आना, और वेयर सैंडल और स्लीपर क्योंकि वही वर्क करने वाला है। One hour later. Hi guys, so now we are at the Mapro Garden and ये हमारा जो ये हमारा last वो रहेगा यहाँ के लिए एंड देन उसके बाद बस हम वापस पुणे जाएंगे। ऑल ओवर लोनावला की तरफ पच्ची रही बट ये सारा का सारा मैप्रो गार्डन है और यहाँ पे जो भी कुछ मिलता है सब स्ट्रॉबेरी से ही बना हुआ है, स्ट्रॉबेरी शेक और स्ट्रॉबेरी की ड्रिंक और सारे के सारे जूस और सब कुछ।
बट इट्स क्वाइट गुड। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो मैं बहुत ही पहली पहली बार देख रही थी, जैसे बहुत ज्यादा टॉफी थी जो कि स्ट्रॉबेरी के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर से बनी थी, तो वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और बच्चों के खेलने के लिए भी गेम्स थी जो कि आपने अभी देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ जैम्स थी, जेलीज थी, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स भी थी। और यहाँ पे काफी ज्यादा ऑफर भी चल रहे थे सिंगल भी लेने पे और मल्टीपल लेने पे भी। तो यहाँ पे ना और भी बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मुझे ये लगी कि यहाँ पे हर चीज का ना फ्री सैंपल आपको मिल रहा था, लाइक स्ट्रॉबेरी ड्रिंक थी और भी काफी ज्यादा ड्रिंक्स थी, अब तो मुझे नाम ही भूल गए, डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स थी, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फ्लेवर्स थे जिनके आपको यू नो सैंपल मिल रहे थे, लाइक वो ग्रीन वाली जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स में अलग थी, ऑरेंज वाली अलग थी, और मेरे ख्याल से प्रोटीन भी मिल रहा था, और यहाँ पे डिप्स भी थे एंड काफी डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो पैकेट्स भी थे, कुरकुरे जैसे कुछ कुछ तो था मुझे, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा गार्डन मैप्रो गार्डन इतना ज्यादा बड़ा था तो ऐसे मुझे याद तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ऑल्सो इनका खुद का एक गार्डन भी था जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था, व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ऑल्सो दे हैड देयर ओन शॉपिंग मॉल्स इन साइड, ओनली 2-3 रेस्टोरेंट्स थे एंड यहाँ की बहुत सारा फेमस डिशेज भी है। तो सबसे पहले डिश जो बहुत फेमस थी वो उनका स्ट्रॉबेरी शेक था, मुझे पूरा नाम तो नहीं आया, थोड़ा कॉस्टली जरूर है बट हाँ मैं आपको बोलूंगी अगर आप आए हो तो एक बार ट्राई जरूर करना है। हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करी, ऑल ओवर मुझे लोनावला की ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एंड या गाइज दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ पुणे में। सो टिल देन बाय, टेक केयर।